इंडिया जीडीपी न्यूज़। पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकली भारत की जीडीपी, अब जापान और जर्मनी इनसे कितनी दूर है, आइए जानते हैं आगे वीडियो में। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफ़ी करीब पहुंच गया है। यह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पाने की दिशा में काफ़ी अहम मील का पत्थर भी है। देर रात हासिल हुआ मुकाम। जीडीपी लैब के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात के 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकला। अब भारत इसके साथ ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच गया है। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है। दुनिया की सबसे बड़ी अब अर्थव्यवस्थाएं, अभी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार $26.7 ट्रिलियन है। उसके बाद $19.24 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ पड़ोसी देश चीन दूसरे स्थान पर है, जबकि $4.39 ट्रिलियन के साथ जापान तीसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी $4.28 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ चौथे स्थान पर है। 2027 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य। भारत सरकार ने देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका तैयार किया है। यह सरकार के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि भारत की जीडीपी का साइज $5 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस तरह का अनुमान दे चुका है। पिछले साल छूटे यूके और फ्रांस। भारत ने इससे पहले पिछले साल के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ा था और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। अभी भारत की आर्थिक वृद्धि पर देखें तो यह किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत आर्थिक वृद्धि 7.8% रही। उससे पहले पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से आगे बढ़ी थी। सबसे तेज है भारत की ग्रोथ रेट। आगे की बात करें तो रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% रहने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 6.5% की दर से, तीसरी तिमाही में 6% की दर से और चौथी तिमाही में 5.7% की दर से बढ़ने वाली है। IMF का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2023 और 2024 में 6.3% की दर से वृद्धि करने वाली है। मतलब आने वाले दिनों में भी भारत सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक बटन के साथ सबमिट करना ना भूलें। धन्यवाद।